गुरुवार को कुछ ऐसा नजारा भी सड़क पर देखने को मिला जो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ एसपी साहब थे तो दूसरी तरफ दरोगा जी थे। एसपी ने जहां बीच रोड पर ही दरोगा पर पिस्टल तान दी तो वहीं बिना देर लगाए दरोगा ने भी अपने पिस्टल निकाली और सीधे माथे पर सटा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ वो भी आप जानना चाह रहे होंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जयशुका। देखिए ये घटना बिहार के सारण जिले की है जहां पर सारण एसपी बीच रोड पर कुछ फिल्मी स्टाइल में निकलते हैं और इस दौरान पुलिस कर्मियों के लिए एक सिविल ड्रेस में बाइक पर बैठा शख्स चुनौती बन जाता है। सिविल ड्रेस में कोई और नहीं था बल्कि एसपी साहब थे और हेलमेट लगाकर सड़कों पर गश्त कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन से पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं और कौन से नहीं काम कर रहे हैं। इसी दौरान एक मौका वो भी आया जब थाने के दरोगा जी रोड पर ड्यूटी कर रहे थे और इस दौरान एसपी साहब वहां पहुंचते हैं और उन पर पिस्तौल तान देते हैं। उसके बाद दरोगा जी भी पिस्तौल तान देते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो और भी रोचक था। क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ, किस प्रकार सड़क पर फिल्मी स्टाइल में एसपी साहब ने सबको देखने का काम किया, सबको डांटने का काम किया, सबकी क्लास लेने का काम किया, वो हम आपको बताते हैं। तस्वीरें पहले आप देखिए। दरअसल मशरक थाना परिसर सहित आसपास के चौक चौराहों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हाथ में पिस्टल लहराते पहुंचे बाइक सवार से सहम गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर बाइक सवार ने जैसे ही अपना हेलमेट उतार कर परिचय पत्र थमाया पुलिसकर्मी सैल्यूट करने लगे। ये नाटकीय अंदाज पुलिस को अपराधियों से निपटने का जीवंत डेमो दिया जा रहा था इसी अंदाज में, और सारण पुलिस कप्तान डॉक्टर गौरव मंगला द्वारा ये तमाम कार्य किया जा रहा था। सारण एसपी पहले सिविल ड्रेस में दो बाइक पर तीन अन्य अधिकारियों के साथ छपरा से मशरक पहुंचे। महाराणा प्रताप चौक पर गश्त में लगे पुलिसकर्मियों को हड़काया तो वहीं मोबाइल पर लगे पुलिसकर्मियों पर सख्ती दिखाते हुए मोबाइल ले लिया। बाइक से मशरक थाना पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात जमादार विपिन कुमार पर अपराधियों की तरह रिवॉल्वर तान दिया। आसपास खड़े लोग इधर उधर भागने लगे और ओडी ऑफिसर भी सख्ते में आ गए। एसपी ने तुरंत अपना हेलमेट उतारा, अपना आईडी कार्ड दिखाया, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। मौके पर एसएचओ के फील्ड में होने की बात ओडी अधिकारी ने बताया। पलक झपकते ही एसपी बाइक से राजपट्टी गोलंबर पहुंच गए और ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर पिस्टल तान दी। और इतना ही नहीं, दरोगा ने भी बिना समय गवाए अपनी पिस्टल को कमर से निकाला और एसपी साहब पर तान दिया। तब एसपी ने अपना आई कार्ड दिखाया, फिर जाकर दरोगा ने सैल्यूट दागा, एसपी ने शाबाशी दी और पुरस्कार भी दिया। सारण एसपी ने अपने इस अंदाज से पुलिस कर्मियों को अपराधियों से किस तरह निपटना है इसकी सीख दी है और इस कार्य को बेहतर बताया जा रहा है, जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है और ये तस्वीरें हम आपको इसी दौरान की दिखा रहे हैं। दरअसल बिहार में सरेआम पिस्तौल लेकर एक शख्स सड़कों पर घूम रहा था, मशरक थाना इलाके की घटना है, सारण की यह घटना है। सारण एसपी गौरव मंगला जब सड़क पर निकले थे तो किसी को यह भनक नहीं थी कि बाइक पर सवार हेलमेट पहना हुआ यह शख्स और रिवॉल्वर लहराता हुआ यह शख्स जो है वो एसपी भी हो सकता है। सबने देखा, सब हैरान रह गए। पहले तो पुलिसकर्मियों ने काफी देखने के बाद ये पता लगाया कि एसपी साहब थे, हालांकि एसपी साहब ने खुद ही अपना आई कार्ड दिखाया और परिचय देते गए। जहां जहां परिचय उन्होंने नहीं दिया तहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम रहा, अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा, जितने भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे उन सभी लोगों में कौतूहल का विषय बन गया। लेकिन जब सड़कों पर निकलकर एसपी साहब अपना काम करते हुए नजर आए और इस अंदाज में करते हुए नजर आए कि तमाम चीजों को बारीकी से देखा कि कौन से पुलिसकर्मी ड्यूटी बजा रहे हैं, कौन से पुलिसकर्मी मोबाइल पर बात कर रहे हैं और कौन से पुलिसकर्मी जो है अपने काम को अंजाम ठीक से नहीं दे रहे हैं। कई पुलिसकर्मियों को उन्होंने फटकार लगाई जो लापरवाह दिखे और कई पुलिसकर्मी जो अपने ड्यूटी को मुस्तैदी से निभा रहे थे उन्हें पुरस्कार भी दिया। तो सारण एसपी गौरव मंगला की यह तस्वीर है और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ, या यूं कहें कि इन्होंने कुछ ऐसा किया अधिकारियों के साथ या ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कि फिलहाल ये पूरे बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अधिकारी जब ड्यूटी पर तैनात होते हैं तो एसपी साहब पहुंचते हैं, पिस्टल तानते हैं और दरोगा जी भी उन पर पिस्टल तानते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है आई कार्ड दिखाने के बाद ये तो एसपी साहब है। उसके बाद सैल्यूट मारने का काम शुरू होता है और एसपी साहब का अभिवादन किया जाता है। एसपी साहब का साफ कहना है कि सड़कों पर किस प्रकार निगेबानी रखनी है, अपराधियों पर किस तरह नकेल कसना है। यदि कोई अपराधी आपके सामने अचानक चला आता है और आप पे इस तरह रिवॉल्वर तान देता है तो उस समय आप क्या करेंगे, आपकी गतिविधि क्या होगी। तो इस मामले में जो दरोगा है जिन पर पिस्टल ताना गया था उनको शाबाशी दी गई और एसपी साहब ने पुरस्कृत किया, कहा कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम कामों के बीच, इन तमाम खबरों के बीच एसपी गौरव मंगला जो है फिलहाल बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं और सवाल यह उठने लगा है कि ऐसे ही सभी बड़े अधिकारी अगर काम करने लगे, सिविल ड्रेस में सड़कों पर घूमने लगे और पुलिस कर्मियों को काम करते हुए देखने लगे तो हो सकता है कि और भी बेहतर पुलिसिंग सिस्टम हो जाए बिहार में, पुलिस अधिकारियों या पुलिस कर्मियों के काम करने का रवैया और भी बेहतर हो जाएगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।